नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजेएनएन न्यूज का खास कार्यक्रम पेरिस में परचम। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। हॉकी, जिसमें कभी भारत का दबदबा था, एक अच्छी खबर, भारत ने 52 साल बाद इतिहास बनाते हुए ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हरा दिया है। हालांकि उसके पहले हमारा मैच डिफेंडिंग चैंपियन बेल्जियम से हुआ था, जिसमें 1-0 की बढ़त बनाने के बाद फाइनली हम मुकाबला हार गए थे 2-1 से। और वो टीस, वो कसक दूर हुई जब हमने 52 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को हराया। आज भी ऑस्ट्रेलिया दुनिया की सबसे मजबूत टीम मानी जाती है। पिछले ओलंपिक की वो रजत पदक विजेता है और उसको हरा देने के बाद निश्चित रूप से भारतीय हॉकी टीम में एक नई जान आई है और भारतीय हॉकी प्रेमियों में नया उत्साह। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी मीर रंजन नेगी मौजूद हैं। नेगी साहब को पहले भी आपने डीजेएनएन न्यूज़ पर देखा है, सुना है, और हॉकी की बारीकियों को वो इसलिए भी जानते हैं कि लंबे समय तक वे भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं और बाद में राष्ट्रीय कोच के रूप में उन्होंने अपनी जिम्मेदारियाँ निभाई हैं। आइए बात करते हैं मीर रंजन नेगी से। नेगी जी, आपका स्वागत है। थैंक यू प्रतीक जी। बेल्जियम से हार 2-1 और अगले ही दिन ऑस्ट्रेलिया को मारा 3-2, दोनों मैचों को आप किस तरह से देखते हैं? बेल्जियम रेनिंग चैंपियंस टीम थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि प्लेयर्स को इस बात का एहसास था कि वो एक बहुत तगड़ी टीम से खेल रहे हैं और उनको मनोवैज्ञानिक दबाव, हाँ, ऐसा दबाव काफ़ी रहता है, मेंटली प्रेशर में थी टीम, आप ये कहना चाह रहे हैं। और जिस तरीके से लेकिन शुरुआत करी भारत ने, और हमारे जो फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट है मेरे ख्याल से अभिषेक, जो हर मैच में लगातार गोल मार रहे हैं, उन्होंने एक अच्छी शुरुआत करी। एक ज़बरदस्त गोल, एक सटीक एंगल के साथ में उन्होंने भारत को आगे बढ़त दिलाई। लेकिन उसके बाद मालूम नहीं क्या जो मुझे महसूस हुआ कि हम लोग काफ़ी डिफेंसिव खेले, बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ खेले, रक्षात्मक खेले, और उसकी वजह से क्या था कि टीम के ऊपर प्रेशर बहुत लगातार बिल्डअप हुआ। हम लोग दूसरा अटैक होना जो दूसरा गोल हुआ, मैं अगर बात करूं बेल्जियम के मैच की, तो जो दूसरा गोल हुआ उसमें एक के बाद 4 पेनल्टी कॉर्नर बेल्जियम को मिले। हम इतने दबकर खेल रहे थे कि बॉल को क्लियर ही नहीं कर पा रहे थे और वो फाइनली चौथी बार में बेल्जियम ने गोल मार दिया। इंडिया का जो प्लस पॉइंट है वो है हमारा अटैक, जो हमारे फॉरवर्ड्स हैं, ये शुरू से आप देखेंगे उनकी जो कलात्मक हॉकी है वो दुनिया में मानी जाती है, मतलब दुनिया के लोग हिंदुस्तान की बात करें, अगर बात करें ध्यानचंद और रूप सिंह से लेकर अशोक गोविंदा, सबको आप देखेंगे तो उनकी जो ड्रिबलिंग रही है पूरे विश्व में वैसी ड्रिबलिंग नहीं। मोहम्मद शाहिद क्या ड्रिबलिंग करते थे, वो काले जो थे वो खड़े होकर हंसते थे जब ये मोहम्मद शाहिद ड्रिबल करके उनको जाते थे, उनको समझ में नहीं आता था कि ये इतनी कलाकारी करते कैसे हैं। तो ऐसे में जो हमारे नए खिलाड़ी हैं, ये अभिषेक है, मनदीप है, ललित उपाध्याय है, कमाल की हॉकी खेलते हैं, कमाल की हॉकी। लेकिन एज ए फॉरवर्ड ये एक बहुत बड़ी जवाबदारी होती है कि आप थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क लें और उनके खेमे में अटैक करें, जो बेल्जियम के मैच में थोड़ा सा कम देखने को मिला। और ऑस्ट्रेलिया में वही टीम एक पलटवार करती है घायल शेर की तरह, घायल नाग जिस तरह से वार करता है, घायल शेर जिस तरह से वार करता है। मुझे लगा कि वो कुछ टीस थी मन में, कुछ एक गुस्सा, एक विद्रोह, और वो विद्रोह, वो गुस्सा दिखाई दिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में। आपको क्या लगता है? मैच के बाद में जब हम लोग ना उस खेल की समीक्षा कर रहे थे, कुछ न्यूज़ चैनल्स में भी बात कर रहे थे, तो हमने ये ज़रूर कहा कि देखिए ये गलतियाँ हैं, भारत की टीम जो है अटैक कम कर रही है, ये बेल्जियम मैच की बात की बात बता रहे हैं, और ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और ऐसा लगा कि जैसे ये सारी बातें जो थीं ये कहीं ना कहीं हमारे दिल से निकल कर उन खिलाड़ियों तक पहुँची। इस टीम में 4-5 बहुत सीनियर खिलाड़ी हैं, और मनप्रीत वगैरह, हाँ मनप्रीत है, गोलकीपर श्रीजेश है, दोनों के दोनों अपना चौथा ओलंपिक्स खेल रहे हैं, और भी जो टीम के प्लेयर्स हैं काफ़ी सीजनड प्लेयर्स हैं, कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी मेकिंग में इनका हाथ रहा होगा। एक होता है
हाफ प्रेस, एक होता है फुल प्रेस, ये ना आप शुरू से ही ऑल आउट जाते। आप देखेंगे मनदीप जो थे उनके जो डिफेंडर थे जो स्टार्ट कर रहे थे गेम वहाँ तक पहुँच गए, और उसके बाद में लगातार जो हमने प्रेशर बिल्डअप किया ऑस्ट्रेलिया उस प्रेशर को झेल नहीं पाई। एक के बाद हमारे बहुत ज़्यादा अटैक हुआ, हमारे को तो और ज़्यादा गोल से जीतने थे। इनफैक्ट कुछ पेनल्टी कॉर्नर्स हमारे कन्वर्शन अभी भी वीक हैं, लेकिन मैं यही बात कहना चाहता था कि हम पेनल्टी कॉर्नर को उतना अच्छा नहीं मार पा रहे। मैं बेल्जियम को देख रहा था, मैंने ऑस्ट्रेलिया को देखा, वो जो बुलेट की तरह बॉल मारते हैं वैसा हमारे यहाँ पेनल्टी कॉर्नर विशेषज्ञ जो हैं वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। इस टीम में एक जुगराज करके एक नया ड्रैग फ्लिकर था जो पिछले कुछ समय से भारतीय हॉकी टीम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, अभी नहीं है वो, इस बार उसको लेके नहीं गए लोग, एक ड्रैग फ्लिकर के साथ में गए हैं। हरमनप्रीत के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। फिर क्या होता है कि आजकल है ना रोलिंग सब्स्टिट्यूशन है, जिसमें कुछ समय के बाद में ना प्लेयर्स जो है वो बाहर जाके बैठते हैं, थोड़ा आराम करके फिर आते हैं, वापस आते हैं। ऐसे में जब हरमनप्रीत बाहर रहते हैं वहाँ पर सेकंड ड्रैग फ्लिकर टीम में नहीं है, तो ये जितने दूसरे हैं अमित रोहित दास है या दूसरे प्लेयर, उनके बस में नहीं कि वो ऑस्ट्रेलिया के साथ में या बेल्जियम के साथ में गोल मारे। और नतीजा ये हुआ कि जब जब हरमनप्रीत बाहर रहे और हिंदुस्तान को पेनल्टी कॉर्नर मिला, एक बहुत बड़ा वेपन है पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्शंस। मुझे याद है एक मैच हुआ पाकिस्तान का और हॉलैंड का, पाकिस्तान ने रनिंग गोल में दो गोल मारे, हॉलैंड को सिर्फ तीन पेनल्टी कॉर्नर्स मिले, तीन पेनल्टी कॉर्नर्स, तीनों गोल, और बॉलेंडर करके उनका प्लेयर आप लोग जानते हो, बहुत जबरदस्त पेनल्टी कॉर्नर विशेषज्ञ थे। मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड में उनसे बड़ा पेनल्टी कॉर्नर विशेषज्ञ नहीं हुआ। सिर्फ तीन पेनल्टी कॉर्नर मिले और तीनों गोल उन्होंने मारे और वो लोग जीत के। मैं छोटा था और जब मैं हॉलैंड वर्सेस भारत के मैच देखता था तो मैं प्रभु से ये प्रार्थना नहीं करता था कि भारत जीते, मैं प्रभु से ये प्रार्थना करता था कि हॉलैंड को पेनल्टी कॉर्नर ना मिले, क्योंकि हॉलैंड यानी पेनल्टी कॉर्नर पे गोल बनना ही बनना है। तो भारत वैसा क्यों नहीं कर पाता, हम वैसा कोई पेनल्टी कॉर्नर विशेषज्ञ क्यों पैदा नहीं कर पा रहे हैं? ये हम लोगों ने तैयार किए थे, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। एक जुगराज सिंह था जिसका एक्सीडेंट हुआ था, अगर आप याद हो, बहुत जबरदस्त, बहुत भीषण, बिल्कुल संदीप जिनके ऊपर पिक्चर बनी सूरमा, बाद में उनके ऊपर कोई आरोप भी लग गए, आरोप भी लगे वो, बाद में पंजाब के खेल मंत्री भी रहे, वो खेल मंत्री, वो भी एक ड्रैग फ्लिकर रहे हिंदुस्तान की तरफ से, बहुत ज्यादा गोल मारे उन्होंने। लेकिन वो भी एक ऐसी कला है या ऐसी विशेष तकनीक है जिसकी वजह से हम मैक्सिमम गोल मार सकते हैं, हर एक के बस का नहीं है कि आप स्टार्ट करो। अब किससे मैच होने वाला है? ग्रेट ब्रिटेन से हमारा मैच होगा, ग्रेट ब्रिटेन के साथ में हमारा मैच होने वाला है 4 तारीख को, हाँ कल, और हाँ कल सवेरे 10:30 बजे हम लोग उनके साथ में खेलेंगे। ग्रेट ब्रिटेन वहाँ से तीसरे पोजीशन पे आई है, हम दूसरी पोजीशन, हम दूसरी पोजीशन, दूसरा तीसरे से भिड़ेगा, तीसरे से भिड़ेगा, वो जर्मनी हॉलैंड वहाँ की जो टॉप टीम्स हैं, जर्मनी नंबर वन टीम रही है, उस पूल को उन्होंने टॉप किया है, जर्मनी खेलेगी हमारे यहाँ की जो सबसे जो कमजोर टीम है ऑस्ट्रेलिया, हाँ उसके साथ में खेलेगी, और हॉलैंड खेलेगी बेल्जियम के साथ। इंडिया का मैच ग्रेट ब्रिटेन के साथ में है, बेल्जियम जो नंबर वन टीम है वो जो 4 नंबर की टीम है स्पेन उससे खेलेगी। नीदरलैंड 2 नंबर की टीम है वो खेलेगी ऑस्ट्रेलिया के साथ में जो 3rd है, और अर्जेंटीना जो है वो जर्मनी के साथ में खेलेगी, अर्जेंटीना की 4th पोजीशन है हमारे ग्रुप में, हाँ तो वो वहाँ की जो नंबर वन टीम है उनके साथ में खेलेगी, और वो जो टीमें जीतेंगी वो, तो हमारे पास तो हमारा मुकाबला, मैं समझता हूँ ग्रेट ब्रिटेन मजबूत टीम है नेगी साहब, और ग्रेट ब्रिटेन टीम को कि क्या खूबियाँ आप बता लगती है आपको कि उनकी क्या खूबियाँ, क्योंकि लंबे पास वो बहुत खेलते हैं। हाँ ग्रेट ब्रिटेन पूरी की पूरी एक ना यूरोपियन तरीके से खेलते हैं वो लोग, ये जो हॉलैंड जर्मनी ग्रेट ब्रिटेन ये यहाँ की जो टीमें हैं इनका मोर और लेस खेल जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, किसको चांस मिले और कौन वो पर्टिकुलर मोमेंट पे भुना सके वो जो है वो उस दिन डिसाइड करते हैं। पेनाल्टी कॉर्नर्स ऑलमोस्ट सबको देखना करीब करीब बराबर मिलेंगे, सारे के सारे अटैक्स और पोजीशन ऑफ
जो बॉल है जिसके ऊपर हम लोग बोलते हैं कि इनके पास में इतने समय तक बॉल रही, वो भी तकरीबन सेम रहेगा, 5% ज़्यादा 5% कम दोनों के पास। बस ये है कि जिसको चांसेस मिले वो हाफ चांस को फुल चांसेस में कैसे कन्वर्ट करके गोल करते हैं, वही विजय दिलाता है। कौन से ग्रेट ब्रिटेन के कौन किस खिलाड़ी का अगर आप नाम जानते हो कि जो खतरनाक साबित हो सकते हैं भारत के लिए? उनके कप्तान बहुत अच्छे हैं और ग्रेट ब्रिटेन में हमेशा से ही गोलकीपर जो है ना वो उनके सबसे अच्छे रहे हैं। पहले एक गोलकीपर थे इयान टेलर, बहुत नाम था और बहुत नाम था, मतलब वो सिंगल हैंडेडली मैच जिता के ले जाते थे। और अभी जो उनके गोलकीपर हैं ओली पैन करके हैं, वो भी बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। ये ग्रेट ब्रिटेन की चूंकि थोड़ी सी वीक टीम पड़ती है यूरोपियन हॉकी में, तो उनके ऊपर अटैक बहुत ज़्यादा होते हैं, तो गोलकीपर के पास में काफ़ी बार मौके मिलते हैं उनको अपने खेल को सुधारने के और अच्छा खेलने के। तो अब भारत में हरमनप्रीत ने 6 गोल पूरे टूर्नामेंट में कर दिए, बड़ा स्कोर है, और हम समझते हैं कि जैसे जैसे मैच में भारत की यात्रा बढ़ती जाएगी तो वैसे वैसे हरमनप्रीत का गोल संख्या भी बढ़ सकती है और दबाव भी उन पर बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप इस वक्त पूरी टीम जो है वो मेरे को लग रहा है कि सिंगल मैन आर्मी, वन मैन आर्मी टाइप की हो गई है। हरमनप्रीत पे बहुत बड़ा दबाव है। हाँ नहीं, हरमनप्रीत अगर आप देखेंगे ना पूरे मैच को बहुत अच्छे से कंट्रोल भी कर रहे हैं। वो क्या करते हैं लोग बाग उनको लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से उसको हरमनप्रीत को बॉल देते हैं और हरमनप्रीत उसको स्कूप करके उनके डी के पास में पहुंचाते हैं और उस आदमी को देते हैं जो बिल्कुल खाली बैठा रहता है। मतलब हरमनप्रीत सिर्फ कप्तान ही नहीं है, वो पिछले पूरे लीड कर रहे हैं, वो स्कीमर है, स्कीमर है पूरे के पूरे। इस पूरे जो जिस तरीके से अटैक हो रहा है, जिस तरीके से वो थ्रू बॉल डालते हैं आगे बढ़ के, मेरे ख्याल से ये टूर्नामेंट उनके लिए बहुत अच्छा साबित हो रहा है। अभी तक पूरी टीम जिस तरीके से खेल रही है, मालूम नहीं देश की निगाहें जो हैं वो बस वो इंतजार कर रही हैं कि जब वो मेडल जो हम लोगों ने जीता था और जनगणमन चेंज हो जाए और जनगणमन बजेगा और जनगणमन बजे। मुझे हमेशा ये लगता है कि ये टीम जो है सबसे अच्छी टीम है हिंदुस्तान की, जितनी भी टीम अभी तक की बनी है सबसे अच्छी टीम है। एक वो जुगराज को अगर वो ले लेते शायद मेरी वजह से, मुझे ऐसा लगता था, लेकिन हो सकता है। फिर भी ये टीम के अंदर वो सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, सारी चीज़ें हैं उनके अंदर जो हमें ओलंपिक चैम्पियन बना सकती है। बस ये है कि उन्हें खेलना है, उन्हें ऐसा परफॉर्म करना है। ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ नेगी साहब आप बहुत मैच खेले हैं, अगर ग्रेट ब्रिटेन और आप अभी भी हॉकी की नज़दीकी से हैं, आप अभी भी टीमों का एनालिसिस पढ़ते हैं, समझते हैं, करते भी हैं एनालिसिस, हमारे साथ तो कर ही रहे हैं और भी चैनल पे काम करते हैं, ग्रेट ब्रिटेन और भारत के इस मैच को आप किस तरह से, किसके अवसर, अगर मैं आपसे कहूँ कि किसके अवसर ज़्यादा हैं मैच में जीतने के, तो आपको क्या लगता है? अगर हम ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हरा सकते हैं, है ना, तो दुनिया में किसी को भी हरा सकते हैं, तो हम किसी को भी हरा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ में हमारा रिकॉर्ड बहुत ख़राब रहा था, आप तो 52 साल बाद जीते हैं हम लोग। 52 साल किसको बोलते हैं, 52 साल छोटी बात है, 52 ईयर्स के बाद। और वो 7-0, 8-0 से मारते थे, वो हमेशा बहुत बुरी तरह से हमें रौनते थे एक तरह से, है ना। आप पिछले ओलंपिक्स में देखेंगे तो 6 गोल 7 गोल बिल्कुल गाजर मूली की तरह काटते हैं और ये करते हैं। इस टीम में ना एक ठहराव सा आया है और क्रेग फुल्टन जो कोच है भारतीय हॉकी टीम के, उनको भी मैं क्रेडिट दूंगा इसमें। कभी कभी मुझे ऐसा लगता आपका है, आपका कभी क्रेग फुल्टन से वास्ता पड़ा या बातचीत हुई या आप उनके साथ रहे? नहीं, उनके साथ में हो सकता है मैं खेले होंगे। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि श्रीजेश का ये 4th ओलंपिक्स है और उन्होंने ये बोल दिया है कि मैं इसके बाद में रिटायरमेंट लूँगा, तो ये प्लेयर्स जो हैं हिंदुस्तान के, ये उस श्रीजेश को एक ट्रिब्यूट देना चाहते हैं, उसको एक जीत के साथ में एक मेडल देना चाहते हैं, ऐसा लगता है कभी कभी। और जो सचिन तेंदुलकर को भारतीय क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जिता कर दी, एग्जैक्टली द सेम वे, बिल्कुल सेम तरीका है और हर एक की मानसिकता वही हो रही है अब की बार कि तुम जाते रहे हो, हम तुमको एक मेडल लेके जाएंगे। तो कल हमारी संभावनाएं थोड़ी सी बेहतर है? थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा बेहतर है। और इनफैक्ट अगर हमारी टीम पूल में दूसरी पायदान पर रही और
ये जो टीम है ये पिछले पूल में थर्ड पोजीशन पे है, तो डेफिनेटली हमारे चांसेस ज़्यादा बनते हैं ऑन पेपर आल्सो। मेरे ख्याल से अगर हम देखेंगे तो हर डिपार्टमेंट में हम उनसे ज़्यादा बेहतर हैं। सर हमारे मिडफील्डर जो हैं, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हमारा डिफेंस थोड़ा सा गड़बड़ाता है। मिडफील्डर्स जो हमारे हैं, फुलबैक जो हमारे हैं, वो उतनी मुस्तैदी से रक्षा नहीं कर पा रहे। मिडफील्डर्स का जहाँ तक सवाल है, मुझे लगता है कि हार्दिक फिर भी ठीक ठीक खेल रहे हैं। मनप्रीत से बहुत उम्मीदें थी, मनप्रीत का गेम जैसा होना चाहिए वैसा हो नहीं रहा है। बड़ा सीनियर आदमी है, सीनियर आदमी है, और जो सबसे बढ़िया इस टूर्नामेंट में डिफेंडर मतलब मिडफील्ड में खेल रहा है वो है हमारे मध्य प्रदेश का विवेक सागर। विवेक सागर को मालूम नहीं ये लोग चांस और देना चाहिए। ही इज़ प्लेइंग वन ऑफ द बेस्ट हॉकी। मैंने जितनी उसकी हॉकी देखी है, जिस जोश व खरोश के साथ में वो बॉल के लिए वो जद्दोजहद करता है, और बॉल को जब उसके पास में आती तो ऐसा हिम्मत नहीं किसी की भी। और न्यूजीलैंड के खिलाफ तो उसने गोल भी मारा, बहुत बढ़िया गोल भी। ही इज प्लेइंग वेरी वेल। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मनप्रीत को बाहर बैठाना भी पड़े तो कोई बात नहीं, विवेक सागर को ज़्यादा मौका देना चाहिए। मिडफील्ड वो जगह है जहाँ से सारे अटैक्स की प्लानिंग होती है, और मिडफील्डर्स लाइक ए फॉरवर्ड एक तरह से वो करते हैं। जब वो मूवमेंट चलाए हैं, कई मूवमेंट्स तो इतने गजब के हैं, अगर हम लोग वो मैच देखें दोबारा से और उसको एनालाइज करें तो हम सोचते हैं कि हमको कम से कम 3-4 गोल और मारने चाहिए थे, इतना अच्छा खेले टीम। ऑस्ट्रेलिया के मैच के बाद में हिंदुस्तान के जो हॉकी प्लेयर्स हैं स्पेशली, उनकी उम्मीदें और हमारे जो स्पोर्टिंग के हमारे देश के जो स्पोर्टिंग फ्रेटर्निटी के लोग हैं उनकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। श्रीजेश कैसा कर रहे हैं, श्रीजेश का आप आकलन कैसे करेंगे? श्रीजेश ने बेल्जियम के बहुत सारे हमले बचाए ऑस्ट्रेलिया के साथ, और ये बाप रे बहुत ज़बरदस्त खेला। मतलब आप तो गोलकीपर हैं इसलिए श्रीजेश की कमजोरियां भी आपको बहुत तुरंत समझ में आती होंगी और उसकी खूबियां भी तुरंत समझ में आती होंगी। जैसे गोलकीपर आप तो अपने आप को वहां रखकर देखते होंगे गोल पोस्ट पर खड़े होकर, आप श्रीजेश को जब देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि आप खुद गोल पोस्ट पर खड़े हैं, तो आप समझते हैं उस बात को? बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि पिछले 20-25 सालों में हिंदुस्तान को श्रीजेश से अच्छा गोलकीपर मिला नहीं। बहुत अच्छा खेला, और कल भी उसने ऐसे सेव किए हैं एक के बाद एक, कम से कम 7-8 सेव किए। वो बेल्जियम खिलाफ तीनों चारों जो पेनल्टी एक के बाद एक मिले वो सब उन्होंने अपने पेट पे हाथ पे लिए, एक भी फर्स्ट राउंड नहीं हुआ बाद में, अब वो गिरी गए और 3-4 उनके ऊपर टूट पड़े। नहीं नहीं, वो अलग बात है। इवन यस्टरडे श्रीजेश, हम लोग हमारा ग्रुप है एक स्पोर्ट्स का, वो सारे के सारे बात कर रहे थे। कल इतना हल्ला किया हम लोगों ने मैच देखने में, मेरा गला बैठ गया। इतना एक्साइटमेंट था हवा में कि कहाँ देख रहे थे आप लोग? हम लोग अपने घर में देख रहे थे और सारे के सारे लोग बैठे हुए थे वहाँ पर, और उम्मीद तो थी। बीच बीच में हमारे कमेंट्स जाते थे, वो जो हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा जिसमें सारे के सारे बड़े पुराने खिलाड़ी होंगे सब जुड़े हुए, कुछ ओलंपियन होंगे उसमें, तो मैंने ये लिखा कि आई हैव अ गट फीलिंग कि इंडिया इज विनिंग टुडे। आई हैव अ गट फीलिंग, मेरे मन तो था ही कि कल इंडिया जीतेगा, और ये मैंने शुरू में लिखा। उसके बाद में 2 गोल की लीड हुई, उसके बाद में मैंने लिखा नाउ इंडिया गोल खाएगा, ये मैंने लिखा उसके अंदर, क्योंकि ये ना ये लोग सडनली पीछे आ रहे थे, विड्रॉ करने लगे और भारत की बड़ी कमजोरी रही। मैं बहुत बचपन से भारतीय हॉकी टीम को देखता हूं और मैं उस समय का हॉकी देख रहा हूं जब असलम शेर खान ने आखिरी मिनट में गोल मारकर भारत को फाइनल में पहुंचाया था, और भारत माता के सबसे ज्यादा जय के नारे मैंने उस समय लगाए थे अपने छोटे से गाँव में। मैं रेडियो से कॉमेंट्री सुन रहा था 1975 विश्व कप, तो मैं उस समय से हॉकी देख रहा हूँ। सर भारतीय जब 2-1 गोलों की लीड बना लेते हैं तो फिर वो डिफेंसिव खेलने लगते हैं और टाइम पास करने की सोचते हैं और वहीं गफलत खा जाते हैं और गोल खा जाते हैं। पिछले ओलंपिक्स में भी ऐसे ही हुआ था और इस बार भी ये लोग शुरू में कर रहे थे। मैं कह रहा हूँ बेल्जियम के साथ में इन्होंने बहुत ज़्यादा डिफेंसिव किया, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा। जहाँ आपको मौका मिलता है अटैक करने का तो आप क्या करें, वो सामने वाली टीम के पास खेमे में गए आप 25 यार्ड्स में, वो सारे के सारे प्लेयर आके खड़े हो जाते हैं ना, उनके प्लेयर्स
उस समय अपने पास में बॉल रखी अगर रखना है तो अपनी तरफ नहीं, अपने एरिया के अंदर नहीं रख सकते, अपने एरिया में रखेंगे कहीं मिस्टेक हुई तो सीधे गोल हो जाएगा। तो जो प्रेस है, जो मतलब प्रेशर है, दबाव है टीम का, वो सामने वाले के गोल वहीं आप ड्रिबलिंग करते रहिए और पेनल्टी कॉर्नर बनाने की, पेनल्टी स्ट्रोक बनाने की कोशिश करिए, पांव में लग जाए उसके लिए हो जाए, भिड़ जाए थोड़ा सा। और ये जो प्लेयर है ना, इनके ड्रिबलिंग वगैरह आप देखेंगे ना, ड्रिबलिंग है, बॉल कंट्रोल है, बहुत गजब का है। हिंदुस्तान की जो प्लेयर्स की बॉल के साथ में स्किल्स हैं, वो ब्राज़ील के फुटबॉलर्स की जैसी स्किल्स है। ब्राज़ील के जो फुटबॉलर्स हैं उनके पास से आप बॉल छीन नहीं सकते इतने आसानी के साथ में। एक बार उनके पास में आओ, छका देंगे आपको वो बुरी तरह से। नहीं, वो तो टच नहीं करने, वो तो सर्वकालिक महान लोगों की पूरी टीम ही थी, छः सात लोग ऐसे थे, एक से बढ़कर एक ब्राज़ील। हाँ, लेकिन हिंदुस्तान के हॉकी में भी ऐसे ही लोग हैं, पृथ्वीपाल सिंह, अजीत पाल सिंह, सुरजीत सिंह, और ये टीम में भी गोविंदा, जेमनी गणेशन, तो वो माइकल किंडो, एक से एक बढ़कर नाम थे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़े प्लेयर रहे सारे के सारे। और बाद में अगर बात करूँ आपके समय के, तो जफर इकबाल, मरविन फर्नांडिस, मोहम्मद शाहिद, प्रदीप जी, एक बात है, आप स्पोर्ट्स में नहीं होके भी हॉकी और दूसरे खेलों को जितने क्लोजली फॉलो करते हैं और जिस खूबी के साथ में उसकी नब्ज़ को पकड़ते हैं, मैं नहीं समझता कि मैंने किसी भी इंटरव्यू वाले से इतना अच्छा विश्लेषण सुना है। एक्चुअली मैं आप लोगों के साथ ही सिखाऊँ रह के बैठ के, लेकिन एक बात मैं ज़रूर वापस करूँगा कि इस बार मुझे लगता है कि हम शायद अपने पदक का रंग बदल लें, हम ब्रांज से सिल्वर तक तो आ जाएँ, ऐसी मतलब इच्छा होती है। आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम की संभावना है? हाँ देखिए, कल हमारा मैच ग्रेट ब्रिटेन के साथ में है। ग्रेट ब्रिटेन की टीम कोई ऐसी नहीं है कि जिसको हम हरा नहीं सकते। इस कंपटीशन में भी वो लोग कई लोगों से हारे हैं और ये वीक टीम है, मतलब वो जो तगड़ी टीम है वो है जर्मनी, जर्मनी जर्मनी बहुत तगड़ी टीम है, उनके साथ में हम लोग नहीं खेल रहे, ये हमारे लिए अच्छा है। तो हमारे सेमीफाइनल्स में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट। ग्रेट ब्रिटेन को हरा देंगे तो हम सेमीफाइनल पहुँच जाएंगे। हाँ, ये क्वार्टर फाइनल मान लें, क्वार्टर फाइनल है, तो जब हम एक मैच सेमीफाइनल से दूर हैं और दो मैच फाइनल से दूर हैं, सिर्फ दो मैच, तो 70 मिनट है तुम्हारे पास। वही जो आपकी फिल्म का डायलॉग है, 60 मिनट होते हैं आजकल, 15-15 मिनट के 60 मिनट है इनके पास। आपको मैं फ्लैशबैक में ले जाऊं, आप जब कोच थे और वो टीम आखिरी आपका फाइनल खेल रही थी, तो आपने जो लास्ट स्पीच उसको दी थी वो क्या यही थी जो शाहरुख खान ने उस फिल्म में बोली, चकदा इंडिया में? मेरा नेचर और मेरा तरीका कोचिंग का थोड़ा सा अलग है। हर एक को इस मूवी में जिस तरीके से उन्होंने पोर्ट्रे किया वो एक एग्रेशन के रूप में पोर्ट्रे किया, जबकि मैं अपने प्लेयर्स के साथ में बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच रहता हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरे प्लेयर्स मालूम नहीं देश के लिए खेले या नहीं खेले, वो मेरे लिए ज़रूर खेलते थे, मेरी बातों को जिस तरीके से वो मानते थे आप विश्वास नहीं करेंगे। तो आपने भी लास्ट स्पीच में यही कहा? मैंने लास्ट स्पीच में ऐसी कुछ कहा था, लेकिन मैं इतना इमोशनली जो चार्ज करता हूँ वो थोड़ा सा अलग तरीका है मेरा। मतलब क्या तरीका था, मैं सुनना चाहता हूँ, मैं दर्शकों को जानना चाहता हूँ कि कबीर खान ने जो आपका रोल प्ले किया था, और ओरिजिनल कबीर खान हमारे साथ मौजूद है, तो वो बताए क्या है। देश के लिए खेलना और फिर उसके बाद में अपनी टीम को गोल्ड मेडल जीतते हुए देखना या उसको दिलाना बहुत अलग चीज़ होती है। जब आप देश के लिए कपड़े पहन के खेलते हैं, यानी ब्लू ड्रेस पहनते हैं जब इंडिया की, तो हाथ पैर बहुत कांपते हैं। आज जब वो मनु भाकर वहाँ पर खड़ी थी और जो लड़की वहाँ पर गोल्ड मेडल जिसने जीता, उसके हाथ इस तरह से कांप रहे थे, एक्साइटमेंट कितना रहता है वहाँ पर, उस एक्साइटमेंट को कंट्रोल करना अपने आप में और उसके बाद में परफॉर्म देना। तो जो गलतियां हमारे कोचेज ने करी कभी, वो एज ए कोच हम कोशिश करते हैं कि वो गलतियां हम अपने प्लेयर्स के साथ में नहीं होने दें। हमारे कोचेज हमको कुछ बहुत ज़्यादा हाइप भी करते थे कभी कभी,
वो जोर से चिल्लाते थे कि तुमको देश के लिए खेलना है और मर जाना है और ये वो, मतलब एक्साइटमेंट को लगता था कि हॉकी खेलने नहीं आ रहे, युद्ध खेलने आ रहे, युद्ध लड़ने जा रहे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने प्लेयर्स को कितना शांत कर सकते। आदमी जितना शांत रहेगा उतना सही निर्णय परफॉर्मेंस करेगा, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो खेल हो, कोई भी हो। योर माइंड हैज़ टू बी वेरी वेरी सॉफ्ट एंड स्टेबल। तो सर ये जो आपने कहा कि अब हमारे पास जो है 120 मिनट है फाइनल में पहुंचने के लिए, 60-60 मिनट के दो मैच, तो ये 120 मिनट बहुत कीमती है, एक एक पल कीमती है। फिर इसमें हरमनप्रीत को छोड़ के बाकी और किस खिलाड़ी को आपको लगता है कि अब इस खिलाड़ी को मुख्य भूमिका में आना पड़ेगा और हरमनप्रीत के साथ बराबरी से काम करना पड़ेगा? मुझे ना हार्दिक से बहुत उम्मीदें थी एक्चुअली। हार्दिक पिछले ओलंपिक्स में और उसके आगे वाले टूर्नामेंट्स में, FIH लीग वगैरह में, उनका प्रदर्शन बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड रहा। बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। कहीं ना कहीं पे वो अपना ओरिजिनल खेल नहीं खेल पा रहे। मुझे याद है ऐसा क्यों हो रहा है? होता है कभी कभी, जैसे ना पिछले ओलंपिक्स, पिछले किसी टूर्नामेंट में भी देख रहा था, वर्ल्ड कप में शायद, अभिषेक ने कुछ डॉज वॉज मार रहा था अभिषेक, और उसकी है ना लास्ट मोमेंट पे उसने किसी प्लेयर की हॉकी स्टिक पे शॉट मार दिया और उसको 5 मिनट के लिए बिठा दिया, वहाँ मैच हार गया हिंदुस्तान। तो अगर आप रिस्क लेते हैं तो आपसे गलतियाँ होंगी, आप कोई डिसीजन लेते हैं तो आपसे गलती होगी निश्चित रूप से। उससे क्या गलती होगी? गलती काम करने वाले से होगी। यस, तो वही मैं कह रहा हूँ कि जब 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 आप हॉकी खेल रहे हैं, आपको बॉल मिली, आपने किसी और को दे दी, ये काम खत्म हो गया आपका? नहीं, आपको उसके अंदर से एक स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगी, आपको उनके अंदर से रिस्क लेके निकलना पड़ेगा। ये 2-3 खिलाड़ी को डॉस दे दिया, आगे जाइए, वहां पास तक पहुंच के फिर किसी को पास होगा। यस, अब ये नहीं कि बॉल मिली पीछे फेंक दी, बॉल मिली पीछे फेंक दी, उसने इसको फेंक दी, ऐसे नहीं। और यही बात हम लोग शुरू से कहते आ रहे थे। तो ये जो अब हमारे जो प्लेयर, मैं देख रहा हूँ कुछ नोट्स बना कर लाए हैं, कुछ खास बात जो छूट रही हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स देख रहा था कि किस तरीके से हमारी टीम ने कितने मैचेस खेले। अब ये जो लाइनअप आपको लग रहा है कि चार कौन सी टीमें जो हैं वो सेमीफाइनल में पहुँच पाएंगी, आपकी गट्स फीलिंग क्या कहती है? भारत एक है और ऑस्ट्रेलिया है, बेल्जियम है, हॉलैंड है, जर्मनी है, अर्जेंटीना है। मुझे तो जो टॉप की चार टीमें दिख रही हैं इस समय वो है जर्मनी, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, जहाँ तक मैं समझता हूँ। बेल्जियम बाहर? बेल्जियम इस बार नहीं आएगी मुझे ऐसा लगता है, जबकि बेल्जियम ने पिछली बार की। हाँ जी जी, तो बेल्जियम भी अच्छी टीम है। जर्मनी, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये चार टीमों का बहुत है सेमीफाइनल। हाँ सेमीफाइनल, क्योंकि ना ऑस्ट्रेलिया बहुत फाइटिंग टीम है, बहुत। हाँ वो मैंने देखा क्रिकेट में भी, वो जिस तरह से वापसी करते हैं, वापसी करते आप देखिए कि जो वर्ल्ड कप वो जीत के गए उसमें तो वो हार रहे थे, हार गए थे पहला मैच, भारत से हार गए थे, लेकिन फिर उन्होंने कैसा पलटवार किया कि वो मैच ही जीत लिया उन्होंने। तो दे आर नेचुरल एंड बोर्न फाइटर। हॉकी के नहीं, फुटबॉल के नहीं, सारे मैचेस जो हैं वो दोनों कानों के बीच में खेले जाते हैं, दिमाग से खेले जाते हैं। आपका मानसिक रूप से आप कितने तगड़े हैं, है ना, ये ऑस्ट्रेलिया के साथ में सीखने को मिलता है। वो लोग कभी भी डिस्टर्ब नहीं होते, चाहे वो शूटिंग कर रहे हो, चाहे वो स्विमिंग कर रहे हो, चाहे कुछ भी हो, दे विल नॉट गेट कूल एंड काम, काम एंड क्वाइट होता है। हमारे यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर ले लेते हैं हमारे प्लेयर्स, और इसीलिए आपने सुना होगा कि हमारी टीम जो है वो लास्ट के 1-2 मिनट में हमेशा गोल खाती थी। पहले तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लेते थे। अभी भी यही हुआ बेल्जियम के सामने, बेल्जियम के साथ में। और कभी कभी लगते नहीं, चलिए अच्छा हुआ कि हम दूसरे नंबर पे आ गए, लेकिन अगर कभी हम तीसरे नंबर पे आ जाते तो बहुत कठिन मुकाबला हमको खेलना पड़ता, वहाँ पर आगे से मुश्किल हो जाता है। हमारे पास में वेरी ब्राइट चांसेस हैं कि हम जो है वो ब्रिटेन को हरा सकें। हाँ, ब्रिटेन को हरा के सेमीफाइनल में जाएं। वो सेमीफाइनल जो है वो तो उस मैच में कुछ भी हो सकता है, एक मैच एंड यू आर इन द फाइनल्स। और फाइनल में भी खेल वगैरह ना ये पूरा अलग रहता है। ओलंपिक्स और कोई भी खेल किसी के पिताजी की बपोती नहीं है,
किसी की नहीं। जिस दिन जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, जो जीता सो वही सिकंदर। बहुत धन्यवाद मीर रंजन नेगी साहब, और जो मीर रंजन नेगी साहब की गट फीलिंग्स है, भगवान करे हम उसको कामयाब हों, हम सेमीफाइनल में पहुँचें। और जैसा कि नेगी साहब कह रहे थे कि भारत की संभावनाएं उजली हैं ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ, हमने पहले भी ब्रिटेन को कई बार हराया है और इस बार भी पूरी संभावना है कि हम ग्रेट ब्रिटेन को हरा दें, क्योंकि भारतीय हॉकी टीम इस वक्त बहुत अच्छा खेल रही है और हमारे कप्तान बहुत अच्छा खेल रहे हैं, हमारे गोलची बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत विश्व स्तरीय गोलची हमारे पास श्रीजेश के रूप में हैं, तो भारत की संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। बस ज़रूरत एक बात की है कि हमें थोड़ा आक्रामक रुख अपनाना होगा, तेज़ी के साथ खेलना होगा, उनके खेमे में घुसकर हलचल मचानी होगी, विध्वंस मचाना होना होगा, तोड़फोड़ करनी पड़ेगी 25 यार्ड उसके अंदर डी के अंदर जाकर, और डिफेंसिव नहीं खेलना है। ये हमारे नेगी साहब का कहना है, जो अंतर्राष्ट्रीय कोच रहे हैं उनका कहना है कि जब हम डिफेंसिव खेलते हैं तो हम आखिरी मिनट में गोल खा जाते हैं और अपनी संभावनाओं को मटियामेट कर लेते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपना नैसर्गिक खेल खेलें, नेचुरल खेल खेलें, ड्रिबलिंग करें, जादुई दिखाएं और घुस कर पटिया बजा दें। तो हम पटिया बजाएंगे, जीतेंगे। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।